स्वागत है आपका हमारे चैनल नेचुरल टिप्स हिंदी में। चना बादाम के हिसाब से ज़्यादा फायदेमंद है। चना सस्ता और हेल्दी फूड है। चना खाने से हमारे शरीर में कसब की ताकत आती है, कई बीमारियों से बचाव होता है। देशी चना को रात में भिगो दें, भिगोने से पहले अच्छी तरह से धो लें। सुबह खाली पेट अच्छे से चबा चबा कर खा लें। भीगे चने खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। शरीर को मजबूत बनाने के साथ साथ बालों के लिए, डाइजेशन के लिए और स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। चने को सही तरीके से और सही क्वांटिटी में खाया जाए तो शरीर में ताकत आती है, शारीरिक कमजोरी दूर होती है। चने में भरपूर क्वांटिटी में पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस पाया जाता है। फाइबर भी अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। डेली चने को खाने से शरीर में आई हुई कमजोरी दूर हो जाती है। आयरन से भरपूर चना खून की कमी को दूर कर देता है। शरीर की सुस्ती दूर होती है, थकान दूर होती है। खास करके उन पुरुषों के लिए फायदेमंद है जो किसी ना किसी शारीरिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। मर्दाना कमजोरी है तो चने का सेवन शुरू कर दीजिए। मर्दाना कमजोरी दूर होगी, शरीर में कसब की ताकत आएगी और साथ साथ लगातार चने का सेवन करने से कुछ दिन के बाद खुद को ज़्यादा फिट और हेल्दी महसूस करेंगे। चने को और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए भीगे हुए चने में नींबू का रस और कद्दूकस किए हुए अदरक को मिक्स करके स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। हाँ, हल्का सेंधा नमक और हल्का काली मिर्च पाउडर डालना ना भूलें। सुबह नाश्ते में खाएं, सारा दिन एनर्जी मिलेगी। कब्ज की प्रॉब्लम होगी तो कब्ज की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। खाया पिया शरीर को लगेगा और खुलकर भूख लगने लगेगी। पेट साफ रहेगा, डाइजेशन मजबूत बनेगा। 25 ग्राम चने को भिगो दें, सुबह खाली पेट खाएं, डायबिटीज दूर होगी, मांसपेशियां मजबूत बनेंगी। गाइस, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को टच कर दीजिए। वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। वीडियो पसंद आने के बाद शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।